पॉइंट बाय कर यहाँ पे भाषण होता है, ये अंबरनाथ में जब समाप्त होता है तो फिर यहाँ पे ये लास्ट होता है। और हम ये त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हैं, मना के आए हैं, अब आगे भी मनाएंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, जो हमारा भाईचारा है ना, ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये हमारा भाईचारा हमेशा रहेगा। अगर हम कहीं पे भी जाएंगे, लेकिन हम कभी ये नहीं भूलेंगे कि ये हमारे नहीं है, आप सब हमारे हो। हमारा एक ही नारा है, ये कश्मीर हमारा है, हमारा एक ही नारा है, ये कश्मीर हमारा है, ये जान से प्यारा है, ये कश्मीर हमारा है, हम सब का नारा है, भाईचारा है, ये कश्मीर हमारा। अमरनाथ जी की यात्रा के समापन के बाद यहाँ त्राल के इस नवदर इलाके में ये रिलीजियस जो फंक्शन होती है, पिछले एक दो साल से, खासकर 2019 के बाद यहाँ फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से हो गया, और कुछ कंस्ट्रक्शन भी यहाँ हुई, अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन जिस तरह से 2019 के बाद एक बदलाव और एक चेंज आई, उस बदलाव को आज आप यहाँ भी देख सकते हैं। और आज मैं अपने पंडित भाई जो दूर दूर से आए, कुछ यहाँ रहते हैं, कुछ जम्मू से आए, कुछ दिल्ली से आए, उनको मुबारकबाद देने के लिए आज यहाँ इस रिलीजियस फंक्शन में आया था। यहाँ भाईचारा सिख मुस्लिम हिंदू सारे हैं। अभी आपने एक बहन से इंटरव्यू लिया, उसने भी यही कहा कि ये हमारा भाईचारा जो है, कश्मीरियत है, ये हमेशा रहेगी और रहे भी तो रहेगी। कल की यात्रा अमरनाथ यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल है। हम तहे दिल से बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के पदाधिकारियों, माननीय एलजी साहब, माननीय डिविजनल कमिश्नर, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग पुलवामा, जो भी इनके साथ सीआरपी के अहलकार, आर्मी के अहलकार और स्थानीय कश्मीर के लोग, उन सबको ये मुबारकबाद जाता है। आज के दिन, आज का इसका विसर्जन था, कंक्लूडिंग यानी इख्तामी, मतलब लास्ट जो कल्मिनेशन सेरेमनी थी, उस कल्मिनेशन सेरेमनी में बढ़ चढ़ के आप लोगों का जोश खरोश देख रहे हो, वलवला देख रहे हो, ये अपने आप में ही एक मिसाल है। और स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खासतौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन त्राल, और स्थानीय जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, बीडीओ डाड़सरा या एसएसपी अवंतीपुरा या यहाँ के स्थानीय लोग, उनको तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज के इस मुतबरक दिन को इकदाम पजीर, बड़े शान शौकत के साथ ये इकदाम पजीर।